ओके, तो वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो जैसा सभी को आप देखा होगा आपने कि आज टुडे वी आर गोइंग टू डू लोअर बॉडी वर्कआउट्स। तो मोस्टली वर्कआउट्स होगी हमारी कमर से नीचे की। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है एक नए सेशन में। तो आप सभी लोग अपने माइक और वीडियो ऑन कर लीजिए, अदर है ना, जिससे मैं आप लोगों को चेक कर लूँ यू आर डूइंग प्रॉपरली वर्कआउट्स और नॉट। ठीक है, यदि किसी एक्सरसाइज को आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाली एक्सरसाइज दोबारा बता दीजिए। ओके, तो अतुल भाई, यू आर यू रेडी? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पूरे फुल बॉडी वार्म अप करेंगे। चलिए, खड़े होंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हैंड साइड करिए, हथेली को खींचिए करके अपनी उंगलियों को खींच के रखेंगे 10 सेकेंड्स तक राइट हैंड से। चलिए, पोजिशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, थोड़ा सा खींच के रखेंगे है ना, ताकि अपने आर्म्स पे थोड़ा सा खिंचाव आए। दूसरे हाथ से करेंगे। चलिए, पोजिशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलिए अब करेंगे हम अपने शोल्डर्स के लिए स्ट्रेचिंग। चलिए, शोल्डर्स के लिए करेंगे हम लोग, पहले एक हाथ से पीछे खींचेंगे वाला हाथ, ठीक है, दूसरा हाथ अपने शोल्डर्स पे रखाएंगे ऐसे, फिर हमको दूसरे हाथ से, और हमारी अपर बॉडी को भी थोड़ा सा मूव करना है, ठीक है, पीछे। चलिए, 10 सेकेंड्स तक करेंगे 10 टाइम्स। पोजिशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 करते रहें, 8 9 10। ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम करेंगे, हैंड्स अप करिए दोनों, हथेलियाँ खुली हो जाएगी, उंगलियाँ ऊपर रहेगी। यस, हम लोग रोटेट करेंगे फॉरवर्ड में पहले। चलिए, हैंड्स अपने दोनों अपने आर्म्स जो हैं अपने कान से टच होना चाहिए ईयर से। पोजिशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसी प्रकार हमको रिवर्स करना है 10 सेकेंड्स तक 10 टाइम्स। पोजिशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, डन। चलिए, वेरी गुड। अब थोड़ा सा वो नीचे आएंगे अपनी बॉडी को, कमर तक आएंगे, अब कमर की फुल बॉडी पूरी स्ट्रेचिंग करेंगे। चलिए, हल्का सा पैरों कुछ भी गैप रखेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे, रोटेट करेंगे। पोजिशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, डन। इसी प्रकार हमको 10 सेकेंड्स तक रोटेट करना है रिवर्स में। पोजिशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब थोड़ा सा पैरों की स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, पैरों को आप पकड़िए, अपने नीज को पकड़ेंगे, चेस्ट के करीब लाएंगे ऊपर करके, नीचे वाला पैर पूरा स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। अब अपने पंजे को रोटेट करेंगे, दोनों पैरों की एक्सरसाइज हो रही है। चलिए, पोजिशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, छोड़ दीजिए इस पैर को, दूसरे पैर उठाइए, है ना, दोनों पैरों की एक्सरसाइज हो रही है, इससे एक एक पैर पे बैलेंस बन रहा है बॉडी का, और दूसरे पैर से स्ट्रेचिंग हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 घुटना सीधा, 8 9
टेन, ओके डन। इसको भी छोड़ दीजिए। अब पैर को पकड़ के, ठीक है, पैर को पीछे से पकड़ेंगे पंजे को, और अपन को पकड़ के पैरों को खींच के कमर के करीब लाना है, बाजू से, पीछे से नहीं लाना है, पीछे से अपना हिप आ जाएगा, इसलिए बाजू से लेके आइए, ठीक है, जिस तरीके से मेरे कमर के बाजू में आ गया, इस तरीके से खींचिए। आप स्ट्रेचिंग करेंगे, चाहो तो आप दीवार का सहारा ले लीजिए बैलेंस बनाने के लिए एक हाथ से, इससे आपके थाई, आपकी पिंडली और आपका नीज पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है, आपका पंजा भी पूरा खींच के रखेंगे इस तरीके से 10 सेकेंड्स तक। चलिए पोजिशन स्टार्ट, 1 बैलेंस नहीं बन रहा तो 2, आप दीवार का सहारा ले लीजिए, 3, 4 इस तरीके से, 5, 6 इस तरीके से खड़े जाइए, 7, 8 बैलेंस बन जाएगा, 9, 10 दूसरी साइड से करेंगे, पोजिशन स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके, छोड़ दीजिए, थोड़ा पैरों को इस तरीके से करिए 10 सेकेंड्स तक, 1, 2, 3, 4, 5 खिंचा हुआ है ना, 6 इससे दूर हो जाएगा, 7, 8, 9, 10 ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करेंगे पैरों की स्ट्रेचिंग के लिए, ठीक है, अपने हिप से हिप ओपन होंगे इस तरीके से, पूरा पैर सीधा है, इसे डाउन नहीं करना है, पूरा स्ट्रेट करिए और अपना, ठीक है, ये पाँव है जो हाथों के बाजू में आएगा इस तरीके से, यस, पूरा खिंचाव दीजिए, हिप के यहाँ पर ओपन करिए, 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके, अब पैर चेंज करिए दूसरे पैर से, पोजिशन करिए कल्पना जी, पोजिशन स्टार्ट, 1, 2, 3, 4 पांव पीछे वाला सीधा रहेगा, 6, 7, 8, 9, 10 ओके, वेरी गुड। चलिए खड़े हो जाइए, अब हम लोग फॉरवर्ड स्टैंडिंग बेंड करेंगे, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, हैंड्स अप करिए, अपने नीज तो स्ट्रेट रहेंगे, ऐसे मोड़ना नहीं है, ठीक है, फ्रंट बेंड जिसको बोलते हैं, फॉरवर्ड स्टैंडिंग बेंड, पोजिशन स्टैंड स्टार्ट करेंगे, 1, 2 अपने हाथों को जमीन से लगाना है, घुटने सीधे, 3 हाथ लग रहा है तो अब हथेली, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके, अभी तो हमारा स्ट्रेचिंग ही चल रहा है, वर्कआउट्स पे नहीं आए हम, है ना, पूरे फुल बॉडी स्ट्रेचिंग चल रहा है अभी। चलिए नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप रखिए, ठीक है, अब हमको साइड बेंड होना है, बाजू से झुकेंगे, चलिए पोजिशन, हैंड्स ओपन करिए दोनों, ठीक है, हमको जैसे खड़े हैं ऐसे बाजू में बेंड होना है और अपने हाथों को पैर से टच करना है और ऊपर वाला हाथ अपने सिर के ऊपर आएगा, ना, चलिए पोजिशन स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5 इससे आपके पेट की अतिरिक्त चर्बी खत्म हो जाएगी, 6 पूरी बॉडी की स्ट्रेच होती है, 7 इस पांव से लेके अपने हाथ तक पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, 8, 9, 10 ओके। कुछ लोगों को होता है अपनी बॉडी को सही कर लेंगे, मतलब कि वर्कआउट करके पेट भी कम कर लेंगे, फैट भी कम कर लेंगे, लेकिन जो साइड की चर्बी होती है जो हम उसको पकड़ते ना पकड़ में आती है, ये वाली कम नहीं होती। आप लोग किसी को देखोगे पीछे से टी शर्ट में अलग से ही अपने यहाँ से बाजू से दिखता है, पूरा यहाँ से अलग ही निकला हुआ दिखता है, तो ये सब बहुत मेहनत करने के बाद में कम होता है, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज करोगे ना डेली, 2-2, 3-3 सेट लगाओ 20-20 के, अपने आप 1 महीने में गोल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, ठीक है, लास्ट बची है, कमर के पीछे हाथ रखना है, कैसे हाथ रखना है,
अपनी उंगलियां ऊपर, उंगलियां नीचे रहेगी, अंगूठा ऊपर रहेगा, ऐसे ऐसे नहीं रखना है, ठीक है, ऐसे। यस डन। अब हमको पीछे बेंड होना है, ठीक है, जितना हो रहा है उतना करिए, ज़्यादा मत होइए, जितना आपको बॉडी अलाउ करे। बैलेंस बनाइए, पोजिशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते रहे। 9, 10, ओके, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा और करेंगे हम लोग, थोड़ा सा फास्ट वाला जंपिंग जैक करेंगे। चलिए पोजिशन स्टार्ट। 1, 2, 3 जंप नहीं कर सकते, ये करो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लास्ट 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। चलिए 30 के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी आपको 20 सेकंड रेस्ट करना है। अभी हमारा फुल बॉडी वार्म अप हुआ है, अब हम लोग मेन एक्सरसाइज पे आएंगे, आज का लोअर बॉडी वर्कआउट्स। रेस्ट करिए थोड़ा सा, यदि प्यास लग रही हो आपको तो एक घूंट पानी पी सकते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाइए। चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे लंजेस, ठीक है। कमर पात रखिए, ठीक है, दोनों पैर चिपका के रखेंगे बाजू बाजू में। अब आपको एक पैर आगे ले आना है, डाउन होंगे फिर पीछे आएंगे, ठीक है, वापस उसी पोजीशन में, फिर दूसरे पैर से आएंगे डाउन वापस। तो हमको इसको रिपीट करना है, इसको फॉरवर्ड लंजेस बोलते हैं। चलिए पोजीशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5 करते रहें। 6, 7, 8 वेरी गुड। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, last 20, ओके, वेरी गुड। चलिए इसी प्रकार हमको बैकवर्ड लंजेस करना है, ठीक है, करना यही रहेगा, हमको पीछे जाना है, लेकिन ऐसे खड़े होंगे कमर पे हाथ, पीछे जाएंगे, 1 वापस आ गए, 2 फिर वापस आ गए, ठीक है। तो हमको इसको रिपीट करना है। चलिए कमर पे हाथ रखिए, पोजिशन स्टार्ट। 1, 2 आराम से बैलेंस बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से भी कर सकते हैं अपने हाथों को, 8 सामने लाके, 9, 10, 11 जैसा भी करना हो, 12, 13 इससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है हाथों को ना,
अपन आप होने में 18, 19, 20 ओके वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा अपने स्थान पर वॉक करेंगे, थोड़ा सा पैरों में खिंचाव आया होगा ना, तो थोड़ा सा वॉक करिए अपने स्थान पर ही, ऐसे चलना है। ओके चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट करेंगे, अब क्रॉस में करना है, ठीक है, क्रॉस में लंजेस करना है, क्रॉस लंजेस कैसे करना है, ऐसे खड़े हैं, वन एक पैर के पीछे दूसरे पैर जाएगा, टू आपको हैंड्स का सहारा लेना है, ठीक है, जाएंगे हैंड सामने आएंगे फिर वापस आएंगे तो नीचे आ जाएंगे हाथ, टू ठीक है इस तरीके से। चलिए पोजिशन स्टार्ट, वन टू थ्री हाथ नीचे ले आइए वापस, फोर वेरी गुड, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वेरी गुड, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वेरी गुड। चलिए अभी जो पैर ठस गए होंगे हमारे, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, वापस स्ट्रेस रिलीज करेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे, कमर पर हाथ रखिए, ठीक है, एक हाथ कमर के पीछे आएगा, दूसरा हाथ सीधा आएगा सामने, ध्यान रखिए जो पैर आगे है वही हाथ आगे जाएगा। चलिए पोजिशन, अब आपको टच करना है अपने हाथों को ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। चलिए पोजिशन स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ओके। इससे क्या होगा, अभी तक हम जो लंजेस किए ना, लंजेस से हमारी मांसपेशियाँ ठस गई है ना, भरा गई है, अब हम लोग जो पैर को दूर लेके जा रहे हैं तो मांसपेशी वापस रिलीज होगी। चलिए दूसरी साइड से करेंगे, पोजिशन स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन करते रहे, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन करते रहे, सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ओके वेरी गुड। सभी को करना है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे, साइड में हाथ करिए, ओपन करिए हाथ को, ठीक है, दूसरा हाथ कमर के ऊपर। चलिए अब आपको अपने क्षमता के हिसाब से, आपके कैपेसिटी के हिसाब से, आपके जितनी स्ट्रेचिंग है उस हिसाब से अपने हाथ को रखिए, इतना स्ट्रेचिंग है तो इतना करिए, इतना है तो इतना करिए, इतना है तो इतना करिए, ठीक है, बार बार अपने पैरों को उठा के टच करना है अपने फिंगर्स से। चलिए पोजिशन स्टार्ट, पहले लो करिए डाउन थोड़ा सा, वन यस टू, अब थोड़ा थोड़ा उठाइए, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके वेरी गुड। चलिए इसी प्रकार दूसरे हाथ से करेंगे, पोजिशन स्टार्ट, वन
थ्री, जितना हो रहा है उतना करिए, फोर ज़्यादा नहीं खींचना है, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके वेरी गुड। चलिए अब हमको 20 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है, ठीक है, रेस्ट लीजिए। जितना हो रहा है उतना करिए, कोई ज़रूरी नहीं, जैसे मैं किसी एक्सरसाइज को 20 बार करवा रहा हूँ, 30 बार करवा रहा हूँ, तो जितना आपका कैपेसिटी है आप उसको करिए। आपको 20 की जगह आपको 15 हो रहा है, 12 हो रहा है, 10 हो रहा है, उतना ही करिए, लेकिन अटेम्प्ट हर एक्सरसाइज को करना है, ओके। चलिए ज़्यादा रेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अदरवाइज हम लोग फिर दोबारा एक्सरसाइज करने में और तकलीफ होगी। चलिए पोजीशन लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। चलिए खड़े होकर बहुत सारी एक्सरसाइज हो गई है, अब हम करेंगे वेट की एक्सरसाइज। चलिए पोजीशन लीजिए, यस, हमको सीधा करना है, ठीक है, अपने पैरों को क्रॉस करना है, सीधा चलाना है इस तरीके से, अपने हाथों से बैलेंस बनाना है पीछे, ठीक है, पैर उठाएंगे 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर हमको क्रॉस करना है, ठीक है। चलिए पोजीशन स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 करते रहें, 12, 13 सभी लोग करेंगे, 14 करते रहें अभी, 15, लास्ट 5, 1, 2, 3, 4, 5, ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको सभी लोग ध्यान देंगे इधर, ओके, आपको माउंटेन पोज में आना है, ठीक है, इस तरीके से अपनी एडी जमीन पर आएगी, फिर आपको ऐसे बैठना है, 1, ठीक है, इस तरीके से आपको अप डाउन होना है, जब अप होंगे तो पैर स्ट्रेट रहेंगे, एडी जमीन पर रहेगी, ठीक है। चलिए पोजीशन स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी को करना है ना, 9, 10, ओके वेरी गुड। चलिए थकना मना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाइए। चलिए अगला करेंगे इस तरीके से, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ठीक है, दूसरा हाथ कमर पर, जो पैर पीछे है वो वाला हाथ कमर पर, राइट वाला, वो आपको ऐसे 1, आपको जमीन से टच करना है अपने हाथ से, यदि हाथ टच हो रहा है, ठीक है, तो आप कोशिश करें अपनी हथेली जमीन पर टच होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस बनाएंगे, बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप किसी चीज का सहारा ले सकते हैं, आपके पास दीवार होगी, आपके पास पलंग होगा, चेयर होगी, ठीक, इस तरीके से ऐसे पैर स्ट्रेट रहेंगे, 1, इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारी नसें हैं पैरों की, उसमें खिंचाव आता है, तो वो स्ट्रेचिंग होती है उसमें। चलिए पोजीशन स्टार्ट, 1, 2, इस तरीके से बैलेंस बना के करना है, 3, 4 पैर सीधे रहेंगे, 2, 5, 6 करते रहें, 7, 8, 9, 10, ओके वेरी गुड। साइड चेंज करिए, दूसरे पैर से करेंगे। चलिए पोजीशन स्टार्ट, 1, 2, 3 दोनों पैर एक दूसरे पीछे रहेंगे,
फोर ना फाइव सिक्स सेवन एट नाइन लास्ट टेन। वेरी गुड। चलिए अब हम करेंगे स्क्वाट, स्क्वाट करेंगे, ठीक है। चलिए सिर के पीछे हाथ रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे डाउन जाना है, वन, ठीक है। हमको क्रॉस में फिर एल्बो टू नीच करना है ऐसे, वन टू, ओके। चलिए पोजिशन स्टार्ट, वन, आगे नहीं झुकना ना, टू थ्री, ऐसे स्ट्रेट आए, स्ट्रेट जाना है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लास्ट फाइव, वन टू थ्री फोर लास्ट फाइव, ओके डन। चलिए अब हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, है ना, एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं, याद आ गई है। चलिए आपको लेटना है इस तरीके से, ठीक है, यस, सिर के पीछे हाथ रहेगा, नॉर्मल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको कैपेसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ स्ट्रेट कीजिए 90 डिग्री पर, आपको पैर को उठाना है, वन टच करना है, ठीक है, फिंगर टू फिंगर। चलिए पोजिशन स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके। चलिए साइड चेंज कीजिए, अब राइट साइड से करेंगे, जिसने लेफ्ट से किया वो राइट से, जिसने राइट से किया वो लेफ्ट से। चलिए पोजिशन हैंड स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट कीजिए स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके, वेरी गुड। चलिए अब स्ट्रेचिंग करेंगे, कोबरा पोज बनना सभी लोगों को, भुजंग आसन, सर्पासन, ठीक है। अपनी दोनों एड़ियों को जोड़िए, पंजों की दोनों पैरों की एड़ी को जोड़िए, ठीक है। हाथों को चेस्ट के नीचे रखना है, हल्का सा बाजू में, ठीक है। माथा लगा दीजिए, आपको आपको माथा रहेगा जमीन पर टच रहेगा, ठीक है, दोनों एड़ियाँ सी चिपकी रहेगी एक दूसरे से। अब आपको सांस लेते हुए ऊपर आना है, हैंड हैंड पूरे स्ट्रेट कीजिए, एड़ियों को चिपका के रखिए, एड़ी और घुटना चिपका के रखिए, ठीक है। आसमान की तरफ देखेंगे, प्यार से स्माइल देंगे चेहरे पर, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। कमर के ऊपर जो दर्द हो रहा है, जो स्ट्रेचिंग हो रही है, उसको फील करिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन करते रहें, एट नाइन टेन, ओके। आराम से सांस छोड़ती डाउन आइए, वेरी गुड। इसको दोबारा करेंगे, पोजिशन स्टार्ट, हैंड सीधे, वन टू, एड़िया चिपकी हुई, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हैंड सीधे करना चाहिए, टेन, ओके, वेरी गुड। कल्पना जी आपके हैंड सीधे नहीं हो रहे थे, चलिए जितना हो रहा उतना करिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे, चलिए लेटना है, मरकट आसन में हमको स्ट्रेचिंग करना है, लेटना है, हाथ खोलिए दोनों, ओपन करना है हाथों को। अब आपको आपके सीधा पैर राइट हैंड राइट पर उठाइए, लेफ्ट हैंड से पैरों को टच कीजिए, घुटने लगा दी जमीन पर, गर्दन को पीछे देखेंगे, गर्दन से दूसरे वाले हाथ को देखेंगे, पीछे वाले हाथ को, ठीक है। ऐसे आपको पैर लगा के रखना जमीन पर,
जो दर्द हो रहा है, जो खिंचाव आ रहा है, उसको फील करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, छोड़ दीजिए। इसी प्रकार दूसरे पैर से करना है। चलिए, पोजिशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब हम करेंगे बटरफ्लाई तितली आसन। बटरफ्लाई हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अपना जो पेट के नीचे जितना ही पोर्शन है, उसकी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है, काफी जरूरी है आपके। चलिए, पोजिशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4। इससे आपकी थाई की और आपकी पिंडलियों की जो एक्स्ट्रा चर्बी वो दूर होती है, आपके घुटने सुडोल होते हैं, घुटने में दर्द वो दूर होता है, ठीक है। आपका जो मूत्राशय है, ठीक है, जिससे भी विसर्जित जितने भी अंग है वो पूरी तरह से अच्छे से हो जाते हैं, पूरी फंक्शनैलिटी उनकी प्रॉपरली वर्क करती है, डाइजेशन में भी हेल्प होती है। चलिए, ओके डन। अब आपको अपने माथा जो है सिर अपना पैरों पर लगाना है इस तरीके से। चलिए, पोजिशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट करेंगे। हैंड उठाइए, सिर के पीछे ले जाइए। अब दूसरे हाथ से अपने कोहनी को दबा के रखेंगे, खींच के रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डन। दूसरे हाथ से कीजिए। पोजिशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। छोड़ दीजिए। हाथों में थोड़ा खिंचाव आया होगा, खिंचाव को दूर करने के लिए आगे पीछे करिए, हाथ को खोलिए। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब 5 बार ऊपर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, नेक्स्ट करेंगे इस तरीके से। हाथों से अपने हाथों को क्लच कीजिए, एक हाथ गर्दन के नीचे, दूसरे हाथों से क्लच करेंगे, खींच के रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, दूसरे हाथ से करिए। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो इस प्रकार से हमारा आज का वर्कआउट यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। तो जैसे आपको बताया था, हर बार बताता हूँ, आफ्टर 30 मिनट्स, मतलब 30 से 40 मिनट के बाद में आपको, ठीक है, हेल्थी ब्रेकफास्ट खाना है। आपके घर में जो भी है अंकुरित अनाज, ठीक है, अंकुरित अनाज में जैसे बताया था मूंग चने। अच्छा कल्पना जी, यानी क्वेश्चंस आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? ओके, फ्रूट्स में आपके फ्रूट्स ले सकते हैं, दूधलिया ले सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक आपको कोई क्वेश्चन है अतुल भाई, कल्पना जी, एनी अदर क्वेश्चंस किसी का? नहीं। चलिए ठीक है, तो मीट, चलिए कल नए एक्सरसाइज के साथ में स्टार्ट करेंगे हम लोग नए सेशन। ओके, चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं भाई।